1953 में 9 जुलाई 1953 रायवण में पहला इज्तिमा हुआ, जिसमें मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए। 1951 में वहां डेरा लगाया गया रायवण में, और 1953 में 9 जुलाई पहला इज्तिमा रखा गया। तो थोड़े से लोग, एक छप्पर बनाया था मस्जिद का, एक छप्पर बना दिया मजमे का। इज्तिमा खत्म हुआ तो मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सारे पुरानों को जमा किया, फिर उनमें बयान फरमाया कि ये मरकज है और मरकज आबाद होता है कुर्बानियों से। वो दीन का मरकज जो पैसे से चले वो आगे चलकर गुमराही का जरिया बनता है, और वो दीन का मरकज जो जान माल की कुर्बानी से बने वो आगे चलकर हिदायत का जरिया बनता है। और इस मरकज को आबाद करना है, कौन है जो मेरे हाथ पर मौत की बैत करता है? न ये 4 महीने का काम है न चिल्ले का। मैं 4 महीने चिल्ले का क्या मतलब है, कारोबार मेरा काम कोई और है, उसमें से थोड़ा सा खैरात आपको भी दे देता हूँ। तो अभी तो हम तबलीग को एक साइल की तरह टाइम दे दें। साइल का तब 1 रुपए का सवाल है, 1 रुपए का सवाल है, तो वो भी कहते चिल्ले का सवाल है, तो हम भी कभी कभी चिल्ला उसको फेंक देते हैं, चल भाई चिल्ला तबलीग को साइल को दे दी। तो मौलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ना 4 महीने ना चिल्ला, ये पूरी उम्मत की जिंदगी का काम है और उम्मत को इस पे लाना है। तो कुछ लोग ऐसे चाहिए जो मेरे हाथ पर बैत करें कि हम मर जाएंगे इस मरकज को नहीं छोड़ेंगे, अब भूख आएगी रोटी नहीं मिलेगी और हमारा कोई जिम्मा नहीं रोटी देने का, और प्यास आएगी और हमारा कोई जिम्मा नहीं पानी मुहैया करने, और बीमारी आएगी और हमारा कोई जिम्मा नहीं दवाई देने का, और यहां से हिलेंगे नहीं, बोलो कौन तैयार है? इतनी बड़ी तश्कील। तो 18 आदमियों ने नाम दिए। तो जब आदमी खड़ा होता था, सबसे पहले अब्दुल वहाब साहब खड़े हुए। जब आदमी खड़ा होता था तो उसको सामने बुलाते कि देखो, भूख आएगी बर्दाश्त करनी होगी, प्यास आएगी सहनी पड़ेगी, बीमारी आएगी दवाई कोई नहीं होगी, और यहां से भागना नहीं होगा, चाहे मौत आ जाए यहीं पड़ना होगा, तैयार हो? कहता जी तैयार हूं। उसे मजमे से बाहर निकाल लेते। मुश्ताक साहब एक हमारे बुजुर्ग हैं, वो फरमाने लगे, मैं भी उस बयान में था। तो मियां जी मेहराब मुझे तरगीब देने लगे कि तू भी नाम लिखा। तो मौलवी साहब रहमतुल्लाह ने डांट दिया कि कोई किसी को तरगीब न दे, जिसने खड़ा होना है खुद अपने इरादे से खड़ा हो, कल को यहां भूख आएगी और बीमारी आएगी, फिर ये तुम्हें कोसेगा कि मुझे फंसा दिया। जिसने खड़ा होना है अपनी हिम्मत और फैसले पर खड़ो। तो उन 18 आदमियों से बैत ली कि यहां से नहीं हिलना चाहे मौत आ जाए। तो उन सब ने यह फैसला किया कि यहां से नहीं हिलेंगे चाहे मौत आ जाए। और मुझे हाफिज सुलेमान साहब ने सुनाया कि 3-3 दिन की भूख आम चीज थी, और बाद औकात ऐसा होता था कि सख्त भूख लगी हुई और अल्लाह ने रोटी भेज दी और हम खुश हो गए, अल्लाह तेरा शुक्र है खाना आ गया, ऊपर से कोई मेहमान आ गए। तो मियां जी अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह मौलाना साहब के खादिम थे, हमारे सामने से रोटी उठा लेते और उस मेहमानों को खिला देते और हम फिर भूखे के भूखे रह जाते। चौथाई रोटी मिलती थी मक्की की, जौ की, आटे की रोटी तो कभी कभार आती थी, सालन देखने को नहीं मिलता था,
और मिर्चों के साथ हो, नमक और मिर्च पानी में घोल के रोटी खा लेते थे। और दूर दूर तक कोई ना आने वाला, ना कोई जाने वाला, ना कोई पूछने वाला। और लकड़ियां काट के लाते थे तो उनमें सांप फंसे होते थे, जो सर के ऊपर सांप रखे हुए लकड़ियां लाके उसमें डालते थे तो नीचे फेंकते तो सांप निकलते। का एक दिन 18 दिन गुजर गए, सालन खाने को न मिला। और मेरा बड़ा दिल हो कि या अल्लाह कहीं से कोई सालन मिल जाता। 18 दिन गुजर गए, सालन नहीं मिला। आपके दस्तरखान पर तो 18 किस्म के खाने रखे होते हैं, और वहां 18 दिन गुजर गए, सालन नहीं मिला। तो कहने लगे, 18वें दिन मैं बैठा था तो किसी ने कहा कि बच्ची तुम्हारी मरने के करीब है, उसको आके देख लो। मैं जब गया तो घर गया थे, वहीं छोटी छोटी झोपड़ियां बना दी थी। जब मैं गया तो बच्ची मरने के करीब, एक कोई हमारी रिश्तेदार दूर से आई बच्ची का हाल पूछने, तो वो कद्दू का सालन पका के लाई और रोटी। उन्होंने कहा जब मेरी निगाह सालन पर पड़ी तो मैं बच्ची की मौत भूल गया और मैं खाने पे बैठ गया। कहा वो औरत कहने लगी, कैसा जालिम बाप है कि बच्ची मर रही है और उसको रोटी पड़ी है। और उस बेचारी को क्या पता था कि आज 18वां दिन गुजर चुका है और मुझे खाने को नहीं मिला सालन। और ऊपर से मियां जी अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, लूट लो भूख के मजे लूट लो, फिर इस मरकज में कभी फाका नहीं आएगा। यही दावत का मिजाज है कि ये दुनिया को मुसख्खर कर देती है। Excuse me.